नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट के पूरा होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों में से कितने पे सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों छोटे चैनल को भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाइएगा। बिना आपके सपोर्ट के छोटा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में बेहतरीन नंबर पाने के लिए आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो साहित्य लहरी ये रचना है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि सूर्य साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो किसकी है ये आप बताइएगा। तो सूर्य साहित्य ये जो आलोचनात्मक कृति है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि आकाशदीप किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? तो जो आकाशदीप है ये रचना है जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि अंधा युग किसकी किस प्रकार की रचना है। तो बताइएगा। तो जो अंधा युग है ये है एक काव्य नाटक। कैसा है? ये एक काव्य नाटक है अंधा युग। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि परमौसत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या है इसका संधि विच्छेद? तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा परम प्लस औसत बराबर परमौसत। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है सुरेंद्र में? तो सुरेंद्र में जानते हैं इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो किसका है? तो मनोज ये है कामदेव का पर्यायवाची। तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्या है? तो जो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा श्रवण का वो हो जाएगा श्रो प्लस अन्न बराबर श्रवण। 70 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 71 है आपके सामने कि मनहा प्लस बल की सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा मनोबल। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि हसाना क्रिया क्या है। तो कौन सी क्रिया है हसाना? ये सकर्मक अकर्मक प्रेरणात्मक या संयुक्त क्रिया। तो कैसी है? तो हसाना ये एक है प्रेरणार्थक क्रिया। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 73 है आपके सामने कि प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। यानी प्रेम सागर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो प्रेम सागर में है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो कौन सा है? तो यथाशक्ति में है अव्यय भाव समास। कौन सा है? अव्यय भाव। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 75 है आपके सामने कि अवरोध शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? तो अवरोध शब्द का जो विपरीत अर्थक शब्द होगा वो हो जाएगा अनवरोध। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है, बताइएगा। तो जो आकाश में विचरण करता उसके लिए एक शब्द हो जाएगा खेचर। क्या होता है? खेचर। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि परि प्लस छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो कौन सा संधि हो जाएगा ये आपको बताना है, कौन सा शब्द बन जाएगा। तो परि प्लस छेद बराबर होता है परिच्छेद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है, तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द में अयादि संधि है। तो ये नायक, किसमें? नायक में अयादि संधि है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? तो नीता कपड़े धोती है इसमें है सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि दूध वाला रचना की दृष्टि से है, तो ये कैसा शब्द है दूध वाला? तो दूध वाला एक है यौगिक शब्द। कैसा है? ये एक यौगिक शब्द है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लास किस शब्द का मूल शब्द है, तो किसका है ये मूल शब्द आपको बताना है। तो लास ये है तुर्की भाषा का शब्द। तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 82 है आपके सामने कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है, तो इनमें से एक शब्द है जो देशज नहीं है, बाकी के तीन हैं वो देशज हैं। तो खिड़की, कलाई, तेंदुआ ये देशज शब्द हैं, जबकि चरखा ये देशज शब्द नहीं है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 83 एवं 84 के लिए कि निम्नलिखित वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करें। तो मतलब आपको बताने की यह पुस्तकें किसकी हैं, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो ये पुस्तकें किसकी हैं, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ये पुस्तकें किसकी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 84 आपके सामने कि इसके बाद वे वापस लौट आए, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा इसके बाद वे लौट आए। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो कौन से मुहावरे का अर्थ है गर्दन उठाना? तो गर्दन उठाना इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिवाद करना, यानी 85 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है अग्र अंत। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर का कायर ये सही है, शीत उष्ण ये भी सही है, रक्त व्रत ये बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि निर उपसर्ग से बना शब्द है, तो इनमें से कौन से शब्द में निर उपसर्ग लगा है, बताइएगा। तो निर्भय, किसका? निर्भय में निर उपसर्ग लगा है। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न 88 है आपके सामने कि जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी परीक्षा हो रही इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परीक्षार्थी। 88 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है, तो कौन सा समास है धर्म विमुख में? तो इसमें समाप है अपादान तत्पुरुष समास। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 90 आपके सामने कि उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो किसका पर्यायवाची है? उदक। उदक है जल का पर्यायवाची। 90 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 91 आपके सामने कि निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, तो किसके में नहीं किया जाता? नदियां में इया लग सकता है, लड़की में लड़कियां ये भी लग सकता है, पहाड़ी का पहाड़ियां ये भी हो सकता है, किताब का किताबें होता है, किताबियां नहीं होता है। तो 91 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 92 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, तो कौन से शब्द में दीर्घ संधि नहीं है वो बताइएगा? तो कुशासन में है, बरसात में है, कपीस में भी है, तो इत्यादि में नहीं है दीर्घ संधि। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो 92 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया। तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? तो यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा है विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण है। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है, तो क्या है अंगूर बताइएगा? अंगूर है एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि आप जानते कि अंगूर गुच्छों में होता है, समूह में होता है। तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 96 है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है, तो इसके लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुष्प का तत्सम शब्द फूल। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 97 है आपके सामने कि कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है, तो कबूतर ये है फारसी भाषा का मूल शब्द। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि फा का उच्चारण स्थान किया है, तो कहाँ पर उच्चारण स्थान होता है फा का? क्योंकि आप जानते हैं फा आता है पा वर्ग में, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो फा का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने की भाषा का अवय रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय बोली। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 100 और आज के पेट्टा सेट का ये लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी तीन शब्द हैं जो शुद्ध हैं जबकि चौथा है वो अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है? तो जो ऑप्शन नंबर ए में पुनर्विचार लिखा है ये अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथी, अगर आपको ये 37 प्रश्नों का ये पेट्टा सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करो, लेकिन करना कुछ है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।